तो चलिए जय आर्मी, सारे के सारे ट्रिक्स को जनवरी 2024 के पीवाईक्यूज पे कैसे लगाना है डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमने अग्नि सीरीज में आपके सारे के सारे 300 पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग हैज बीन डन, राइट। लेकिन कई सारे PYQs ऐसे हैं जिसके अंदर आप एक्चुअली कुछ ट्रिक या हैक लगा के या तो सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो या फिर डिकोड करके उसको लाइटर बना सकते हो। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये वाला सेशन हम लोगों ने आपके लिए पहले किया था जिसके अंदर पूरी 22 ट्रिक्स एंड हैक्स को डिटेल में मैंने बहुत सारे PYQs पे लगा के दिखाया था। अब है बारी आपके जनवरी 24 के PYQs की। आई होप यू आर रेडी। और इस समय पर व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द पेपर, सबसे ज्यादा रेलेवेंट सवाल करना जरूरी है। तो अगर तो आपने यार ये सारे लगा सकते हो 300, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज एनीवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर अस इज हमारे पिछले 3 सालों के टॉप PYQs जिनको हमने आपके लिए छान के निकाल दिया है ऑलरेडी। दीज आर द 3 ऑरेंज बटन्स। तो tinyurl.com/jeeewithneha mam पे जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है, यू कैन फाइंड दीज। अपने आप इसको, दे आर गिवन इन द PDF फॉर्मेट, अपने आप इनको सॉल्व कीजिए, आंसर की से नीचे मैच कीजिए, कहीं अटक जाए तो जस्ट क्लिक ऑन द क्वेश्चन टू रीच इट्स वीडियो सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, बताना ना पड़े, अपने आप वीडियो को लाइक कर देना। ऑल राइट, सो आउट ऑफ द 22 ट्रिक्स, दीज वर द वंस जो सबसे ज्यादा आपकी बेसिकली यूज हुई हैं। एंड लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड ये जो कैफे अप्रोच वाला हैक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 19 क्वेश्चन आए जिसके अंदर 14 के अंदर आप इस प्रोसेस से सवालों को डिकोड कर सकते थे। तो आप सोच लो यार, ऑन एन एवरेज अगर 2-2 सवाल भी पर पेपर आपको मिल जाए ट्रिक्स के, तो आपके डेफिनेटली कैलकुलेशंस को हल्का बनाते हैं। वन मोर थिंग, आई नेवर से कि यार ट्रिक्स ही करके चले जाओ, बहुत सही है ये, दीज आर द सप्लीमेंट्स जो आपको तगड़े कॉन्सेप्ट्स के बाद ऊपर नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। ओके, सो हियर वी आर द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर रैंक ऑफ अ वर्ड ट्रिक। मेरे साथ साथ लगाते जाओ इनको। तो आपके सामने दिख रहा है हम लोगों को, लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज विद और विदाउट मीनिंग इन अ डिक्शनरी। सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड G20 क्या है? प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, रैंक ऑफ अ वर्ड में 2 तरह के सवाल आते हैं, विद रेपिटेशन, ठीक है, या विदाउट रेपिटेशन। दोनों का अपना ही प्रोसेस होता है। तो 22 ट्रिक्स एंड हैक्स के अंदर आप दोनों देख सकते हो कि किस तरह से अप्लाई होते हैं। वन मोर थिंग, हमेशा कीवर्ड ये होता है ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो ऐसा नहीं कि कुछ को यूज कर लिया, सारे के सारे लेटर्स को जब आप यूज करते हो तभी ये ट्रिक वैलिड होती है। तो G20 के अंदर आपने ट्रिक लगा लेते हैं, अब क्या करना है, आपने लिखा पूरा G20, राइट, एंड नाउ यू जस्ट गिव इट द सीरियल ऑर्डर। फटाफट से आंसर बता दो आता है तो ई सबसे पहले आ गया अल्फाबेटिकली, फिर आपका जी आया, ठीक है, उसके बाद व्हाट डू वी हैव, ऑब्वियसली एन आएगा, है ना, एन के बाद देखो क्या आने वाला है, आपका टी आएगा। तो टी, दो दो टी है, तो उन दोनों को ही रैंक 4 दे दी जाएगी। एंड देन यू वी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड वाला रैंकिंग सही है, सबके सब रैंकिंग सही है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। तो ऑल यू गॉट टू डू इज, 2 से छोटे कितने हैं? तो 2 से छोटे मेरे पास सिर्फ एक ही है, 1। लेकिन क्या कोई रेपिटेशन है? हाँ जी रेपिटेशन है, ये 4 जो है 2 बार आ रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दो, बस इसका काम खत्म। अब टी का नंबर 4 है, 4 से छोटे कितने हैं? 1 है और 3 है, ठीक है, और कितनी रेपिटेशन है, एक तो टी खुद ही और एक टी और आएगा, अब 2 फैक्टोरियल और इसका भी काम खत्म। अब फिर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो 5 के साथ क्या आएगा, 1, 2, 3, अब कोई रेपिटेशन नहीं बची बिकॉज टी इज ऑलरेडी कैंसल्ड। ई से छोटा कुछ भी नहीं, 3 से छोटा कुछ भी नहीं, और सब बस कुछ नहीं के जोन में आ गए हैं। तो लेफ्ट टू राइट आप ऐसे मूव करते हो, राइट टू लेफ्ट तो भैया कुछ नहीं खास करना होता, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है चलो लिख देती हूँ, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से शुरुआत होती है 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल।
ठीक है, एक बार ये काम हो गया, अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड कर देना है. सो ऑल यू आर गोइंग टू डू इज 6 factorial by 2 factorial, ठीक है, प्लस 3 into 5 factorial by 2 factorial, प्लस 3 into 4 factorial, एंड बाकी तो सारे के सारे जीरो ही आ रहे हैं. अब आपने सवाल को पढ़ना है, क्या उसने एग्जैक्ट रैंक ऑफ द वर्ड या एग्जैक्ट सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड G20 मांगा है, तो प्लस 1 आ जाएगा आंसर में. अगर कहा है बिफोर G20 तो ये प्लस 1 आप नहीं करोगे. बड़े सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 553 ऑलरेडी. चलो ठीक है, फिर देख लेना. ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें नहीं हम जा रहे, हम तो ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 553 आई एम श्योर आ जाएगा. ओके, और डिटेल में देखना चाहते हो PYQs पे कैसे लगती है, तो 22 ट्रिक्स एंड हैक्स में जाके देख लेना. बड़े सारे सवाल रैंक पे कराए हैं. ऑल राइट, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इसकी जगह सवाल में और क्या वो पूछ सकते हैं. इंटीग्रल टर्म्स इज वन थिंग, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल या रैशनल सेम ही प्रोसेस से निकलेगा. अगर उन्हें कुछ डिफरेंट पूछना है तो वो पूछ लेंगे नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स, जिसके अंदर आप टोटल माइनस रैशनल कर रहे होंगे, और रैशनल के लिए ट्रिक लगेगी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. दिस वॉज द क्वेश्चन. अब जरा समझते भी जाओ क्या क्या हो रहा है. नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम ट्रिक तब लगाएंगे व्हेन बोथ ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स, जो वो है. इफ इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैं ट्रिक को लगाने से पहले उसको प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करके कन्वर्ट करूंगी. प्लीज यहां पे गलती अलर्ट का साइन कई बार नॉन प्राइम में आप देखना, उस 22 ट्रिक्स एंड हैक्स की वीडियो में वहां पे मैंने बताया है कि कब आपका नॉन प्राइम था और बच्चों ने उठाकर आंख बंद करके ट्रिक लगा दी. नहीं, हमेशा शुरुआत प्राइम नंबर से होगी. दिस इज ऑलरेडी प्राइम, तो आप क्या करते हो, स्टेप नंबर वन, आप एलसीएम लेते हो इसका 2 और 6 का, विच इज ऑब्वियसली 6. आप ये जो होता है नंबर पूरी पावर, इसको डिवाइड करते हो 6 से. जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है. वी हैव 6, यहां पे 2 बचेगा, 6 3 18, ठीक है, 4 बचेगा, 6 7 42, 137 आ रहे हैं सारे के सारे. अभी 137 आ रहा है, अब इसका मतलब आंसर इज ईदर 137 और 138. यहीं पे आंसर पक्का पक्का हो गया, बस आपने चेक करना होता है कि कौन सा है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आप क्या करते हो, आप जनरल टर्म लिखते हो. एक्चुअली पूरी नहीं लिखनी होती, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. 824, दिस इज 7 CR, एक सेकेंड, हाँ, 7 रेज टू पावर 824 माइनस आर बाय 2, ठीक है, 11 आर बाय 6. एक्चुअली यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है, फर्क किससे पड़ता है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज यहाँ पे अगर आपने r इक्वल टू 0 को पुट किया तो क्या इज इट स्टिल डिविजिबल बाय 2? यस इट इज. तो ये जवाब यस आते ही r इक्वल टू 0 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसके अंदर जुड़ जाता है, एंड द आंसर टर्न्स आउट टू बी 138. बहुत ही सस्ता सवाल, अगर आप पूरे प्रोसेस के साथ करते हो तो फिर आपको काफी तामझाम करना पड़ता है. ये इतना डायरेक्टली लिख दिया, इतना डायरेक्टली आता नहीं है, समय लगता है. विज अवेज ये बहुत ही आसानी से आपके सवाल को फोड़ देता है. आर वी राइट? परफेक्ट परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द ट्रिक, द नेक्स्ट ट्रिक दैट वी आर अप्लाइंग इज 1 और 0 इज माई सुपर हीरो, यानी के ये डिटर्मिनेंट्स की ट्रिक है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ. अगर कुछ दिया ऐसा हो कि यार जैसे ये दे रखा है और मुझे नहीं बताया कि x क्या है, x कुछ भी हो सकता है, आई कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वे आई लाइक, ठीक है, कोई भी एंगल डाल सकती हूँ, एंड मोस्ट लाइकली आई ट्राई टू सब्स्टिट्यूट 0 या फिर x के अंदर 1. ये तो खैर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो 1 नहीं डालूंगी, बट समझ रहे हो. अब एक तो तरीका है जो मैंने आपको नॉर्मल अग्नि के सेशन में बताया था, वो प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है. अग्नि में जो मैंने आपको सिखाया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से होके प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन इस वक्त हम कर रहे हैं हैशटैग ट्रिक. सिंस दिस इज गोइंग टू बी ट्रू पूरे ही एक्स के लिए,
है ना। तो मैंने क्या किया, इन पर्टिकुलर एक्स को जीरो पुट कर दिया। अब आप सोचो ये तो कांस्टेंट ही बन जाएगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही बन जाएगा। दिस विल बी एनीवे टू कॉस जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी थ्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी थ्री प्लस टू सो फाइव, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो अगेन, दिस इज गोइंग टू बी टू, ठीक है, थ्री एंड दिस इज साइन स्क्वायर टू एक्स इज जीरो। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे, है ना, अब आप इसको एक्सपैंड करोगे, यू विल एंड अप गेटिंग क्या मिल जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सपैंड कर दूँ तो, या फिर इस वाले कॉलम से भी कर सकती हूँ, माइनस प्लस माइनस करके, आई विल एंड अप गेटिंग यहाँ से जीरो एंड यहाँ से 15, माइनस 45 बन रहा है। एक बार ही ज़रा चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस के साथ, माइनस थ्री के साथ शुरुआत करूंगी, अगर ये जीरो है, माइनस 15 है, 45, एंड ऑब्वियसली इसका कोई भी डेरिवेटिव होगा जीरो होगा। अब आप सोच रहे होंगे, नहीं मैम ये तो आपने कांस्टेंट ऑलरेडी इसको डाल दिया, आप एक्स की जगह कोई भी एंगल भी स्पेसिफिक डाल के देख लोगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप गेटिंग द सेम आंसर। मुझे पता है कि आइडियली आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है फिर पुट करना होता है, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल दी एंगल्स यू कैन डू दिस बिट। दो इसका प्रॉपर मेथड आपको अग्नि के अंदर मिल जाएगा, दिस इज जस्ट अ हैक टू सेव आर टाइम, ठीक है, डन। चलो ये आपका प्रॉपर मेथड लगा भी हुआ है, ओके ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आ रहा है सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई वैल्यू डालकर देख लो, यानी कि जेड को ज्यादातर हम लोग जीरो वन, ठीक है, आयोटा, मतलब प्लस माइनस वन या प्लस माइनस आयोटा, अंटिल एंड अनलेस दे रखा हो कि यार फंक्शन का मॉड वन नहीं हो सकता, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई एनीथिंग। अगर ये दे रखा हो फिर आप ये नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, अदरवाइज आप इनको आराम से सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। आ जाओ, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन एंड फटाफट से जितने भी बच्चे हैं अपने आप वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसका पीडीएफ मैं कम से कम 1500 लाइक्स पे शेयर करने वाली हूं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके आ जाओ। अच्छा अब इसको समझो, यहाँ पे मुझे पता है आप ड्रॉ वगैरह करके सब निकाल लोगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे बेसिकली तीन मॉड्स को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तीन मॉड्स को इक्वल करने की वो बात कर रहे हैं। When do you think this is possible? ये possible ही कब होने वाला है? आप देखो, मैंने आपको कुछ ही options दिए, अगर मैंने z को zero put किया, that gives me minus iota, that gives me iota and that gives me minus one, and तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही बराबर है। अगर मैंने वहीं पे z को one put किया, ठीक है, one put किया तो ये zero हो जाएगा, one put किया तो ये one minus iota हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, दिन दोनों का ही मैग्नीट्यूड रूट टू है, लेकिन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये ट्रू नहीं होगा, ना 1 में होगा ना माइनस 1 में होगा। आयोटा भी लगाओगे ये जीरो हो जाएगा, ये 2 आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा माइनस 1 हो जाएगा, फिर से ट्रू नहीं होगा। किसी भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सिचुएशन आएगी ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर जेड बींग इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है यहाँ पे। अग्नि सीरीज में मैंने इसका प्रॉपर मेथड सिखाया है कि कैसे आप इनको प्लॉट करते हो, और फिर यू सी कि यार यहीं पे एक ही पॉइंट आ जाता है जो तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट आ जाता है जो तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा, बट आप लॉजिकली सब्स्टिट्यूट करके, मतलब लॉजिकली नहीं, हैक लगा के भी ये चीज ला सकते थे, राइट, यस और नो, ओके। फिर से बता रही हूँ, दी ट्रिक्स और हैक्स आर नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि बॉस पढ़ाई मत करो, बस ट्रिक लगा के आ जाना, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, दीज आर ओनली टू हेल्प यू सिंप्लीफाई, आपका समय बचाने के लिए। रिमाइंडर, फाइंडिंग रिमाइंडर, जिसके अंदर हमने ट्रिक का नाम रखा था पास लाओ ना, ठीक है, एंड वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्रिक्स, काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं, इस बार भी दो सवाल बने, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन फर्स्ट।
तो उसने कहा रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो भैया ये तो पहले कोई भी एक नंबर होगा, मैं इसको बॉदर नहीं कर रही, मैं इसको कुछ भी बुला रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस। बस मुझे इतना पता है कि ये एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 32 raised to power 32 इवन नंबर ही दे रहा होगा। द पास लाउना ट्रिक सेज कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पास लाओ, ठीक है, के पास लाओ, ये है आपका ट्रिक। तो आपने देखा मैं कैसे पास ला सकती हूँ, मैं इसको 9 into 7 + 1 करके लिख सकती हूँ, एंड जैसे ही आप पास लाए आपको पता है ये 9 वाला फैक्टर खत्म, आपका आंसर 1 raised to power k आ जाएगा। k हमको ऑलरेडी पता है कि एक इवन नंबर है, तो रिमाइंडर इज 1, दैट्स इट, इस सवाल के अंदर कुछ और है ही नहीं। यस ऑर नो, इज दिस थिंग सॉर्टेड? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट सवाल आपका ये वाला आया जो ऑब्वियसली आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से मिक्स करके आया, तो सिंपल सी बात है आप इस क्वेश्चन को नहीं स्टार्ट कर सकते थे इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एनीवे हमें पता है, हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर लगाई कहाँ, बसंती प्रॉपर्टी, आई होप सबको याद है बसंती प्रॉपर्टी क्या था। हमने कहा था जब तक जितने तेरे एडजॉइंट चलेंगे उतने एन माइनस वन के पावर बढ़ेंगे, यानी कि दिस मीन्स इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन, एन क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक, एंड कितनी बार एडजॉइंट है 2024 times, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बाय चांस 2 है, राइट, एन भी 3 है, तो 3 - 1 = 2, एंड ये है, एंड प्लीज इसमें ये गलती मत करना, इसको अलग लेना होता है बच्चा, ठीक है। अब आपकी ट्रिक की शुरुआत होगी, आपको क्या करना होगा, आपको इसको पास लाना है किसके, डिवाइडेड बाय 9, 2 raised to power 2024 को 9 से पास लाना है। आई विल हाईली रिकमेंड 22 ट्रिक्स एंड हैक्स की वीडियो जरूर देखना, वहां पे बहुत सारे ऐसे मॉडल्स रिमाइंडर थ्योरम के आए हैं 2022 में भी 23 में भी, उनको जरूर से करके जाना। चलो अब मैं इसको कैसे पास लाऊं, भैया 9 से सबसे पास मेरा 8 आ सकता है, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैन राइट दिस एज 8, बनाने के लिए मुझे इसको 3 लिखना पड़ेगा, भैया मुझे पता है कि ये डिविजिबल बाय 3 तो है नहीं, देख लो ना, रिमाइंडर आपका 2 छूटेगा, बट यहाँ पे एनीवे क्या बनेगा, वी विल हैव 3 into 6 = 18, 3 7 = 21, एंड 3 4 = 12। अब बस आपको पता है फिर से वही पास लाओ ना ट्रिक, तो आप 8 को ऐसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर है, तो पास लाओ ना से आप इतना पास ले गए कि ये 9 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो 1 raised to power 674 1, एंड यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर अपना 4 आ गया। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ रिमाइंडर 4 आ गया। अब एक्चुअली सवाल इतना ही पूछा जाता है, एंड ट्रिक से देखो कितनी जल्दी हो गया, लेकिन दिस वॉज नॉट द एंड पॉइंट, क्योंकि आपने सिर्फ इतना कंसिडर किया है। अब दिस इज लाइक सेइंग, यानी मैं इसको ये कह सकती थी कि बॉस ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज 9 times k + some 4, ठीक है। तो अब मैं सवाल पे आ रही हूँ, 2 raised to power 9k + 4, इसको मैंने डिवाइड करना है 9 के साथ, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, दिस विल बी 2 raised to power 4, सही है। अब फिर से वही, फिर से दोबारा ट्रिक लगी, पास लाओ ना, 2 raised to power 9k को कैसे पास लाऊं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 raised to power 3 into 3k, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 9 - 1 जो कि 8 आ जाएगा, raised to power 3k by 9, एंड भैया 16 को आप कैसे लिखोगे, ऑब्वियसली कैसे पास लाओगे ऐसे लिख के, तो ये गया यहाँ से, ये गया। अच्छा बस अब आपको ये दिखाना पड़ेगा मुझे k इवन है या ऑड है, आपको क्या लगता है, क्या लगता है 2 raised to power 2024 एक इवन नंबर होगा, अगर आपने इसको ऑड कर दिया तो LHS और RHS बराबर नहीं होंगे, तो 100% K को इवन ही होना पड़ेगा, इवन मतलब यहाँ 1 दे देगा यहाँ 7 दे देगा, तो मेरा आंसर एक्चुअली 7 है, द फाइनल आंसर, दिस इज द रिमाइंडर। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस ट्रिक के बेसिस पे इस सवाल को लगा दोगे, नहीं, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, आपको ये स्टेप भी एडिशनल करना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रिक डेफिनेटली आपके गोल के बहुत पास लेके जाएगी। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि स्टैंड अलोन बेसिस पे भी आपसे NTA पूछ सकता था, ऐसे सवाल उन्होंने डायरेक्टली पास्ट में बहुत पूछे हैं। डन, बता दो कोई कंफ्यूजन कि वरना आगे बढ़े। ओके, VN मेथड,
VN मेथड की एक आपके साथ ट्रिक शेयर की थी मैंने, ट्रिक का नाम था छोटे में छोटा, ठीक है, बड़े में बड़ा। अब शुरुआत में इसमें बड़ा नॉर्मल तरीके से आप करोगे जो VN मेथड का प्रोसेस होता है, अंत में ये आपका समय बचाएगी ये वाली ट्रिक। कैसे करना है आ जाओ देखो, यहाँ पे सम ऑफ सीरीज दे रखा है, पहले तो ऑब्वियसली आप जनरल टर्म लिखोगे, कोई दो राहे नहीं है उसमें। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, ऊपर देखो एक एक बढ़ता जा रहा है आर, वन तो सारी जगह सेम ही रह रहा है, ठीक है, माइनस थ्री टाइम्स, यहाँ देख रहे हो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो आपको पता है आर स्क्वायर लिख दोगे, वन रेज टू पावर फोर टू रेज टू पावर फोर, तो आर रेज टू पावर फोर लिख दोगे। इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे, कैसे लिखेंगे हम इसे, इसको एक मिनट मुझे दे दो, मैं इस पूरे उसको ना थोड़ा साइड में ले जाऊं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ ये चीज आ रही है। अभी कैसे करूं मैं, आई विल हैव टू ओपन दिस, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं इसको आर रेज टू पावर फोर माइनस टू आर स्क्वायर ऐसा कर दें क्या, प्लस वन एंड एक माइनस आर स्क्वायर अलग कर दो, सो दिस बिकम्स योर होल स्क्वायर। अब इसके अंदर अभी तक कोई भी जेई लेवल मैथ नहीं लगी, एक पैटर्न आपने पकड़ लिया वहां तक, ठीक है, ये तो आप एलजेब्रा की सॉल्विंग कर रहे हो, तो इसको आप लिख डालोगे आर स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या अभी तक मुझे चीजें समझ आ रही हैं, यस और नो? चलो तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा, मैंने कहा सिग्मा लिखते हैं यार, अप टू 10 टर्म्स हैं, तो मैंने लिखा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 10। एंड अब आपका स्टार्ट होता है VN मेथड, अब आपका स्टार्ट होता है पहले VN मेथड, ट्रिक अभी भी नहीं लगी, ट्रिक अंत में आपके क्वेश्चन को ऐसे फोड़ देगी। VN मेथड मतलब अब आप इसको सेपरेट आउट करने वाले हो, ठीक है, तो सेपरेट आउट आप कैसे करोगे, यहाँ आर स्क्वायर माइनस वन, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हो, ऊपर बड़ा वाला टर्म ये है आर स्क्वायर, दिस इज माइनस वन प्लस आर, माइनस आप ऐसे लिखने वाले हो आर स्क्वायर माइनस वन माइनस आर, एंड यू हैव टू इंश्योर आर स्क्वायर कट रहा है, माइनस वन प्लस वन कट रहा है, ऊपर टू आर बच रहा है, ठीक है, आर माइनस माइनस आर, ऊपर टू आर बच रहा है, यहाँ आर दे रखा है, यानी आप हाफ से जुगाड़ो इसको एंड इसको लिख डालो, ठीक है, अपॉन यही चीज लिख डालो, सही है। अब क्या आएगा आगे, अब आप इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट आउट करके क्या आएगा, प्लस यहां पे अगर आपने इसको किया, ये वाली टर्म देखो कट जाएगी, मेरे पास बच जाएगा ये, दूसरे वाले में ये माइनस वाली टर्म बच जाएगी, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ ये। अब आती है आपकी फाइनली ट्रिक, यहां पे ट्रिक क्या कहती है, देखो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अब यहां पे आर को वन पुट करते हैं दोनों में, ठीक है, फिर आर को, लेकिन याद रखना ये दोनों जो आप जो लगा रहे हो यहां पे, ये पैटर्न दिख रहा होगा आपको, यूजुअली लोग अब यहां पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद आप चीजों को काटना स्टार्ट करते हो कि ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ऐसे ऐसे, अंत में बचता क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। And that is how I came up with the trick कि छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, तो इन दोनों में सिर्फ डिनोमिनेटर वाइज देख रही हूँ, छोटा क्या है ये है, इसके अंदर छोटे के अंदर छोटी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, बड़े के अंदर बड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। कैसे, दिस विल बी वन अपॉन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन, तो क्या आ जाएगा, ले देके आंसर, ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, दिस विल बी आपका 110 माइनस वन, आइयो इज दिस ओके, 110 माइनस वन 109 आ रहा है, उल्टा तो नहीं लगा दिया, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, आर स्क्वेयर माइनस वन माइनस आर, ठीक है, ये आपको दे देगा, नहीं आई थिंक 109 ही आ रहा है, सही है, अच्छा 109 ही तो है बेस, ठीक है ठीक है। सो फाइनली ये आप इसको करो, क्या आ जाएगा, वॉट इज द आंसर दैट यू गाइज आर गेटिंग विद दिस, बी आंसर बोल रहे हैं, ठीक है फिर लगा लो,
पर बी के लिए तो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव आपके पास आ रहा है कहीं, मिस हुआ है क्या? एक बार चेक करिए, माइनस वन, अच्छा यहाँ माइनस, ओहो यहाँ माइनस वन बच रहा है ना, माइनस वन बच रहा है, ठीक है ठीक है, अभी सही है, अभी सही है, सही है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, हाँ माइनस होगा, सही है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई है मुझे? एवरीबडी डन? ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा समय बहुत बच रहा होता है, हमें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट्स को। ओके, फाइंडिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसको यार बच्चों अगर आप अग्नि सीरीज से देखो तो मैंने पूरा ग्राफिकली आपको सवालों को समझाया है। पहले यहाँ पे समझ लो होता क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ वेयर मॉड फंक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है, ध्यान से सुन लो, वेयर मॉड फंक्शन इज इन्वॉल्व। तो इस केस में दो बातें हो रही होंगी, जहां पे भी मॉड फंक्शन टूटेगा दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, लेट्स से ए आया, कितनी बार आया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया, मतलब एक ही बार आया, जैसे वन एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन गया और वो एक ही बार आया, या वो तीन बार ही आ गया, तो वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होगा। एंड अगर कोई नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ गया, यानी इट्स अ मिक्सचर ऑफ तीन चार लेट्स से टर्म्स, और दो बार उसके अंदर नंबर वन रिपीट हो रहा है, आप देखोगे कि वो अंत में डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट बन जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी गायब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही चेक करके मत देखना, लेकिन आपका हैक यही कहता है कि ऐसा ही होता है। सो अब देख लेते हैं जरा सवालों में कैसे लगाया इसको। दिस वॉज द क्वेश्चन, अगर आप इसको, इस सवाल को LCD का जो अग्नि का सेशन है, अग्नि कौन सा सेशन है, जिसमें मैंने JEE जनवरी 2024 के सारे 300 PYQs को सॉल्व किया है, तो अगर आप इसको अग्नि के सेशन से देखोगे तो पूरा आपको लॉन्ग प्रूफ दिखेगा ग्राफिकल वाला, ठीक है, वहां पे मैंने बड़ा स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब मैं आपको सेम सवाल को ट्रिक लगा के सिखा रही हूं। क्या सबसे पहले तो उसने आपसे मांगा है कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा और नॉट डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी की बात जरा बाद में कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फोकस ऑन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार मॉड फंक्शन इन्वॉल्व्ड है, तो जहां पे भी मॉड टूटेगा सबसे पहले नॉन डिफरेंशिएबिलिटी उधर आएगी। तो आपको देख रहे दिख रहा है मॉड एक्स जो है ये टूटेगा कहां पे, जीरो पे, तो एक तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जीरो है, ठीक है, एक तो जीरो है। अच्छा दूसरा, जब आपने इसको तोड़ा तो क्या हुआ, आपने एक केस लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो फॉर दैट You ended up writing it this way, 2x square plus 5x minus 3, ठीक है, this is one case, the next case is x is less than 0, 2x square minus 5x minus 3, can I do the splitting over here, मतलब इसके linear factors बना सकती हूँ, क्या होंगे, 2x plus 1, एक बार please हाँ देखना इसको मेरे साथ साथ, x minus 3 सही टूटा कि नहीं, 2x square minus 6x नहीं उल्टा होगा, minus इधर और plus इधर, दिस विल बी 2x square plus 6x minus x is plus 5x minus 3, सही है, टूटा कि नहीं, टूटा, टूटा कि नहीं, अच्छा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो सिर्फ एक साइन उल्टा आ रहा है, तो आई एम श्योर यहां पे 2x plus 1 एंड यहां पे x minus 3 होगा, एक बार आप चेक कर लो, 2x square minus 6x plus x minus 5x minus 3, सही है, सो फार सो गुड। अब फिर से वही बेसिक रूल पे गए कि मॉड फंक्शन जहां इन्वॉल्व होता है वहीं पे ब्रेक होता है, तो यहां पे यानी पोटेंशियल पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हाफ है या माइनस थ्री है, समझे, यहां पे क्या है माइनस हाफ है या प्लस थ्री है, ये भी समझे, हाँ या ना। अब आप जरा केस देखो, आपने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस थ्री आने का मतलब ही नहीं है, ये तो इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। एंड यहां पे जब मैंने बोला x इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में थ्री आने का मतलब नहीं है, तो कितने पॉइंट्स हो गए भैया, एक नेहा मैम आपने जीरो कहा था, एक हाफ हो गया, एक माइनस हाफ हो गया, कितनी बार आया, एक एक बार आया, तो तीन पॉइंट्स ऑफ n था ना, ये तीन पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। ट्रिक ने आपके सवाल को यू फोड़ दिया, जबकि अगर आप इसको मेरे अग्नि के सेशन में देखोगे तो मैंने दोनों का डिफरेंट सिचुएशंस में ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ बनाया, आपको प्रॉपर सिखाया कि मॉड फंक्शन कैसे फ्लिप होता है। उसके बाद मैंने बोला जब दोनों फंक्शंस को मर्ज करोगे आप,
तो आपके तीन शार्प पॉइंट्स आते हैं, माइनस हाफ, हाफ और बीच में जीरो पे, एंड दैट इज हाउ यू गेट. अभी इस बार मैंने आपको ट्रिक के साथ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कॉन्टिन्यूटी की. तो यार आप कॉन्टिन्यूस देख लो, आप कॉन्टिन्यूटी में तो कभी मॉड फंक्शन में दुविधा आती नहीं है. अगर आप देख लो यहाँ x लेस देन जीरो से भी और x इक्वल टू जीरो पे भी, सॉरी x ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो, दोनों ही मॉड के अंदर अगर आ भी रहे हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शंस है, एंड x इक्वल टू जीरो पे दोनों ही आपको मॉड ऑफ माइनस थ्री दे रहे हैं. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो m जीरो है, तो आपने m प्लस n मांगा, मैंने थ्री आंसर दे दिया. कितने बच्चों को ये सवाल चमक गया, क्यों बच्चे आंसर टू दे रहे हैं भाई, आंसर तो थ्री है. आप देखो जरा ट्रिक के साथ आपने सवाल को कितनी जल्दी उड़ा दिया. डन, यस और नो, आगे बढ़ू कि नहीं? मजे, वेरी गुड. चलिए, एंड फिर से बोल रही हूं, हाईली रिकमेंड कर रही हूं 22 ट्रिक्स एंड हैक्स. आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, मैं फटाफट से एक बारी शो कर देती हूँ. इस तरह का लिंक होगा. हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस करके होगा, यहाँ पे है ये 22 ट्रिक्स एंड हैक्स वाली वीडियोस. इनफैक्ट सारी ही वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ रही हूँ. बच्चा, वन टू वन के लिए ट्रिक, वन टू वन फंक्शन को चेक करने के लिए ट्रिक. एक्चुअली आपको सच बताऊं तो इसको हायर मैथ के अंदर कैलकुलस मेथड कहते हैं. आप इसको ट्रिक की तरह मान सकते हो, जहां पे नॉर्मल मेथड तो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आप अज्यूम करते हो और करते कराते एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूव करते हो. ये तो आपका बोर्ड वाला मेथड हुआ, आम जिंदगी हुई. यहां पे क्या करते हो, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसका आप एफ डैश एक्स लेते हो, और उसके बाद फॉर द गिवन डोमेन, अगर तो आप कह सकते हो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या हमेशा लेस देन जीरो होगा, हमेशा यानी ऑन द गिवन डोमेन, डोमेन पे हमेशा, देन यू से द फंक्शन इज वन टू वन. बट अगर सिचुएशन ऐसे है कि कभी ये एंड कभी ये, कि गिवन डोमेन में कभी तो फंक्शन इंक्रीज, मतलब कभी तो फंक्शन हाई जा रहा है कभी लो जा रहा है, डेरिवेटिव कभी तो पॉजिटिव कभी तो नेगेटिव, तो आपका ये मेनी टू वन होगा यानी नॉट वन वन. क्या ये चीज क्लियर है मुझे? यस. चलो तो यहां पे देख लेते हैं एक सवाल पे. अब दिक्कत क्या है, अगर आप इस सवाल को देखो, जी ऑफ एफ, अब जी ऑफ एफ निकालने में कोई ट्रिक नहीं है, यहां आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही काम आएगी कि आप कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन को बनाकर लिखते हो, ठीक है. तो इसको भी बड़े डिटेल में मैंने अग्नि के सेशन में सिखाया था कैसे लिखते हैं. एनीवे मैं आपको जल्दी से यहां बता देती हूं, जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या मतलब है कि आप जी के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स लगा रहे हो. सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स वी आर ट्राइंग टू से व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इट विल बी ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो. यानी आप मुझे ये बोल रहे हो कि जब मेरा फंक्शन पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकल आएगा, लेकिन जब मेरा फंक्शन नेगेटिव है तो वो ई फंक्शन का सहारा लेगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो. अगर तो फंक्शन की इस तरह से सिचुएशन है कि वो मोनोटॉनिक है तब वो वन टू वन होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है. तो चलो यहां पे आ जाए. अब मैं इसको लिखूंगी कैसे. आई एम गोइंग टू टेक, यार यहां पे पहले देखो फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव कब होगा? यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा हमेशा. तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है. मैंने कहा जी एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब है, जहां ये जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी एज इट इज मेरा फंक्शन आ जाएगा. अब दिक्कत आती है लॉग फंक्शन में. लॉग फंक्शन बड़ा खट्टा मीठा होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. हाँ हाँ मैम, हमको पता है. तो लॉग फंक्शन पॉजिटिव हमेशा कब होता है? कब होता है हमेशा पॉजिटिव? भैया जब आपका x ग्रेटर देन वन होता है, इजंट इट? जब भी आपका x ग्रेटर देन वन होता है लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं इसको लॉग x डायरेक्टली लिख दूंगी, ठीक है. एंड जब मेरा लॉग फंक्शन जीरो और वन के बीच में होता है, वो फंक्शन नेगेटिव होता है ना, ग्राफ याद है ना, नेगेटिव होता है. और मैंने कहा जब भी फंक्शन नेगेटिव होगा मुझे ई फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगी ई रेज टू पावर लॉग एक्स. अब यहां तक कोई ट्रिक नहीं यूज हो रही, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है.
यूज होगी, ठीक है। अब ट्रिक यूज होगी, मैं इसको बोल देती हूँ एच एक्स, मैं इसको यार कुछ भी एच एक्स करके बुला लेती हूँ। तो दिस इज लाइक ई रेस्ट पावर माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज लॉग एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन वन, एंड दिस इज ओनली एक्स वेन एक्स इज लाइंग बिटवीन दीज टू। अब भी आएगा मजा, अब भी हम लोग क्या करेंगे, अब लगा रहे हैं ट्रिक। तो ट्रिक के लिए क्या करते हो आप, एच डैश एक्स लोगे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। e रेस टू पावर माइनस एक्स आपने किया तो माइनस ऑफ e रेस टू पावर माइनस एक्स आ गया, यहां पे क्या आ गया 1 बाय एक्स आ गया, यहां पे क्या आ गया 1 आ गया। अब आप जरा मुझे बताओ डोमेन क्या दे रखी है मुझे, डोमेन क्या दे रखी है मुझे, पूरे रियल्स, पूरे रियल्स में क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये टूट कहां रहा है फंक्शन, ये टूट रहा है फंक्शन जीरो पे। अगर आप नोटिस करो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू डालू लेस देन जीरो, भैया ये ई फंक्शन जो है, दिमाग लगा के सोचो क्या ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव है। ई फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन आपने इसके पास माइनस छोड़ दिया तो ये ओवरऑल नेगेटिव है। यहां पे फंक्शन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन है, यहां पे फंक्शन वन ही होगा। तो आप कह रहे हो कि ये पोर्शन तो पॉजिटिव आंसर देगा, ये पोर्शन मुझे नेगेटिव आंसर देगा, तो भैया कहां का वन टू वन हुआ फिर, वो वन टू वन वाला सारा ऑप्शन कट गया, ठीक है, वन टू वन वाले सारे ऑप्शन कट गए। अब आंसर ए या डी में ही होगा, अब आंसर आपका ए या डी में ही होगा। इसको कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, यस और नो, ठीक है। अच्छा अब देख लो यहां पे, अब आप ऑन टू कैसे करोगे, उसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। अब ऑन टू को तो लॉजिक है यार, आप कोई भी देखो, कोई भी आप नेगेटिव नंबर लेके देख लो, आप लेट से एक्स इक्वल टू लेट लेट एक्स को कुछ भी ले लो, माइनस टू ले लो, आपको लगता है इनमें से कोई भी आपको आंसर एक्स इक्वल टू माइनस टू दे रहा होगा ना, ये देगा आपको, ठीक है। वैसे भी एक्स इक्वल टू माइनस टू को आप यहां लोगे ही नहीं, यहां भी नहीं लोगे, क्या ये आपको कभी माइनस टू दे सकता है? देखो आप कहते हो लेट से दे सकता है, आप बोलते हो कि यार एक्स को मैंने लेस देन इक्वल टू ये लिया एंड मुझे इसने आंसर माइनस टू दे दिया। अरे मैं डेरिवेटिव में क्यों जा रही हूं देवा रे देवा, फंक्शन में जाऊंगी ना, फंक्शन तो ये है। आपने बोला ई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, भैया वो कभी भी नेगेटिव आंसर आपको नहीं देगा। तो अगर आप नोटिस करो, आपकी जो कोडोमेन है वो पूरी रियल कभी होगी ही नहीं, ये नॉट ऑन टू है, डी इज द आंसर। एनीवे ट्रिक कहां लगी, अगर ये आपको फंक्शन प्यार से दे चुके होते तो आप आंसर इसका 10 सेकेंड में निकाल देते। फिर से कह रही हूं, सवालों का मतलब ये नहीं होता कि आपके हर सवाल में ट्रिक बिल्कुल बिगनिंग में लग गई और हो गया, हो सकता है कहीं बीच में लग रही हो जो आपके समय को बचा दे, राइट। अनदर क्वेश्चन, अब जरा पढ़ो इसको ध्यान से, एक मिनट बच्चा, ओके चलिए, हाँ जी अगले सवाल पे कैसे जाएं। अब फंक्शन क्या कह रहा है, इफ दिस फंक्शन डिफाइंड बाय ब्ला 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 इज वन टू वन एंड ऑन टू, उन्होंने दे रखा है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा या बिल्कुल नेगेटिव होगा, अभी नहीं मुझे पता क्या होगा, बट क्यों, सिंस एफ इज वन टू वन तो मेरा ट्रिक क्या कहता है, मेरा ट्रिक कहता है इसका मतलब भैया फंक्शन मोनोटोनस बिहेव करेगा, मोनोटोनस, या तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव होगा डोमेन पे या हमेशा ही नेगेटिव होगा। मैं कैसे पता लगाऊं, देख लेते हैं। अच्छा आगे क्या करना है, देन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन क्या होगा। देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड लाइन तो हम पता लगा लेंगे, पहले आप अगर मुझे ए एंड बी दे दो, तो ए एंड बी मतलब ये दे दो, तो अब देखो ट्रिक कैसे लगती है। आपने एफ डैश एक्स लिया, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ई फंक्शन तो ई फंक्शन ही है बॉस, 3x2 - 3। अब इसने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, इसको बोल तू रहने दे, सारी की सारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, इनफैक्ट 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन x2 - 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, नाउ थैंक्स टू माई वेवी कर्व, थैंक्स टू माई वेवी कर्व मेथड मुझे पता है कि मेरा फंक्शन जो है प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा। अब इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल तो भाई साहब ये दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो जरा देखना फंक्शन क्या है, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देती हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि यार कभी इक्वल टू भी हो जाए या लेस देन भी हो जाए, तो ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मेरा एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जब मेरा फंक्शन जा रहा था माइनस इंफिनिटी पे, वो कम वैल्यू देगा, एंड एफ माइनस वन पे वो बड़ी वैल्यू देगा। यानी ये जो है ये आपका ए होगा एंड ये जो है आपका बी होगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, फंक्शन की वैल्यू भी आगे बढ़ रही है। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे जरा डालो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा, जो कितना दे देगा? ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो दे देगा, ए जीरो है, एंड बी कितना दे देगा? माइनस वन लगाओ जरा, इट विल बी क्या? ई रेस टू पावर माइनस वन, यहाँ पे भी प्लस थ्री प्लस वन, ई क्यूब आ गया। बस ए और बी मिल गए आपको। अब पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज अ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला, ठीक है? तो आपका पॉइंट पी जो है ये टू टाइम्स बी यानी टू ई क्यूब प्लस फोर, ए जो है वो जीरो है, ये बन जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस आपने करना है। दैट्स इट, डन। सॉरी, आप इस सवाल को पूरा देख सकते हो अग्नि सेशन में, बट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, आप कैसे निकालते हो, तो इसमें मैं नहीं जा रही। बट आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई आपने कहाँ लगाई है, कि अगर फंक्शन वन टू वन है तो यानी इधर ये होगा या ये होगा। आपने डिफ्रेंशिएट करके एज पर द गिवन इंटरवल पता लगा लिया फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो ए एंड बी चुटकी में आ गए। यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ग्रेट, अगली ट्रिक पे आते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला के लिए ट्रिक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, एक ये ए एंड बी के लिए स्ट्रेट लाइन, दिस डिवाइड्स द जॉइन, तो दिस आर द टू पॉइंट्स एंड ये है स्ट्रेट लाइन जिसकी मैं बात कर रही हूं। तो इसके अंदर इफ आई हैव टू गेट दिस रेशियो, लेट्स से रेशियो एम इज टू एन, ऑब्वियसली आप सेक्शन फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हो, वो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो कह रहे हैं लाइन ऐसे करती है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इट इज नेगेटिव ऑफ लाइन के अंदर आप सबसे पहले इस वाले पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर देते हो, अपॉन लाइन के अंदर आप बी के कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट कर देते हो एंड यू गेट योर आंसर। अगर तो ये नेगेटिव ही रहता है इसका मतलब डिवीजन एक्सटर्नल थी, अगर ये पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो डिवीजन इंटरनल थी। डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आप सवाल बना सकते हो। तो सवाल देखते हैं जरा आया कैसे, कैसे आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, डन। मुझे जरा 1000 लाइक होते ही बता देना, सूचित कर देना जरा कि हो गया है मैम, डन, ग्रेट, ओके। इन ट्रायंगल एबीसी सपोज y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल b, तो ऐसा कोई ABC करके ट्रायंगल है, उसने कहा सपोज y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल b, ये y इक्वल टू x, ठीक है, ये आपके एंगल को ऐसे काट रही है, एंड द इक्वेशन ऑफ साइड AC, ये जो साइड AC है इसकी इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू टू, ओके। इफ ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू BC, यानी टू टाइम्स AB इज इक्वल टू BC, इन अदर वर्ड्स आई कैन से AB बाय BC इज इक्वल टू हाफ, ये गिवन है मेरे पास, एंड पॉइंट्स A एंड B आर रिस्पेक्टिवली A के कोऑर्डिनेट्स 4 6 दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं। Then you have to find this. देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अल्फा बीटा इज लाइंग ऑन दिस लाइन y इक्वल टू x, है ना, इसको नीचे तक एक्सटेंड करूँ तो, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये चीज तो भैया हमको पता है, हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। यानी आप ये कह रहे हो कि 3 अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, इतना समझे। अब क्या करना है मुझे, ट्रिक की बात कहाँ से आई? देखो सबसे पहले तो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ दीज आर टू एंगल्स, तो आप मतलब अगर आपको ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो रूल कहता है कि ए बी बाई बी सी इज द सेम एज ए, यहाँ पे कुछ भी बोल देती हूँ, डी बाई डी सी। यानी आपने मुझे एक तरीके से बोल दिया ए डी बाई डी सी हाफ है, एंड यहाँ पे अपन लोग ट्रिक लगाएंगे, कैसे? डी निकालने के लिए।
तो पहले तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, मुझे नहीं पता सी क्या होगा, भैया नहीं कुछ दे रखा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ एक्स, एंड वाई को भी एक्स के टर्म्स में लिख लूँ तो 2x-2, ऐसे लिख सकते हैं एक्स एंड 2x-2। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज, दिस इज व्हाट आई हैव। अब मेरा ट्रिक क्या कहता था, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये देखो मैं वापस से आपको एक बार लेके जा रही हूं, ये कहता है कि आप रेशियो इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेशियो, जी रेशियो आपको इस बारी दे रखा है ऑलरेडी 1:2, पर आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो यानी ये 1:2, और अब मैं वहां ट्रिक लगा रही हूं। ट्रिक क्या कहती है कि फर्स्ट पॉइंट को इसके अंदर डाल दो, तो आपका सीधा ही क्या आ गया, दिस विल बी 6-4 अपॉन नेगेटिव ऑफ, ठीक है, एंड इस पॉइंट को डाल दो इसके अंदर, तो एक्स दिस इज द सेम एज सेइंग एक्स माइनस वाई जीरो, है ना, तो एक्स माइनस 2x+2, इसका आपने x के बीच में आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 6-4, ये ऊपर माइनस 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, माइनस एक्स प्लस 2, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अपॉन दिस विल बी x-2। ओके, सो x-2 इज इक्वल टू 4, एक्स इज 6, यानी आपका पॉइंट सी आ चुका है। पॉइंट सी क्या लिख लोगे आप, पॉइंट सी इज नाउ 6, 2 × 6 = 12 - 2, 6, 10, सबको मिल गया पॉइंट सी, यस और नो, एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, राइट एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ माइनस साइन वगैरह मिस कर दिया मेरे को लग रहा है इसका, एक बार ही चेक करो दोबारा से प्रोसीजर, आई थिंक इसको आप एक बार ही चेक करो, x इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, चेक इट आउट, हाँ माइनस 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 2, दिस विल बी 2 × 2 -4 - 2 - 6, ठीक है। सो आप एक बार ये प्लीज उठा के देख लो, दिस इज ओके, हाँ माइनस 2 होगा, लगा दिया, तो अब आपका पॉइंट सी आ गया। अब आपको क्या करना था, आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो अब आप लगा लेना, ट्रिक का मतलब यही तक था। आप कैसे निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी, इसको अब आप यूज करके अंत तक आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, अंत तक आंसर निकाल सकते हो। ट्वाइस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस आप देख सकते हो ना, इट विल बी 4 - α या α-4² +, ये भी वही हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, α-6² अगर मैं होल स्क्वायर ही ले रही हूं तो ये भी 2² है, और बी सी मुझे क्या दे देगा, बी ये है सी ये है, तो α+2² ठीक है, एंड यहां पे आ जाएगा +α+6² अब आप इसकी सॉल्विंग करके अल्फा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हो, दिस इज नो मोर द पार्ट ऑफ ट्रिक, ट्रिक यहीं तक सीमित थी। आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते थे, चाहो तो इस ट्रिक को यूज कर सकते थे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, व्हेन यू कैलकुलेट आपको दो वैल्यूज मिल रही होंगी अल्फा की, 2 या 14, तो 3 α आपको निकालना था, 42 आंसर आ जाएगा ना, 14 3 जा, सही है, हाँ। सेक्शन फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते थे और इस ट्रिक से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। चलो, पोजिशन ऑफ टू सर्कल्स, जिसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा वाला हैक सिखाया था तुम लोगों को, आ जाओ जरा फटाफट से गाइस, आर वी रेडी, पोजिशन ऑफ टू सर्कल्स, इसमें मैंने बताया था, एंड ये बड़ा 2.0 में भी डिटेल में कराया है, अग्नि में भी डिटेल में कराया है, कि इट इज लाइक एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग मतलब आप ऐसे कर लो, दो सर्कल दूर है, ठीक है, दो सर्कल इंटरसेक्ट किए, दूसरा केस मतलब टच किए, तीसरा इस दो सर्कल इंटरसेक्ट कर गए, चौथा केस एक सर्कल दूसरे के अंदर है, एंड पांचवा केस बिल्कुल ही अंदर है, टच ही नहीं कर रहा, दीज आर द 5 केसेस। एंड उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसको याद कर लो, देखो लॉजिकली फिगर से तो मैं समझा चुकी हूं आपको 2.0 के सेशन में, लेकिन यहां पे याद करने के लिए मैंने क्या बोला, बस आप एक पैटर्न याद करो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, 1, 2, 3, 4, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है। क्या ग्रेटर देन R1 + R2, C1, C2 क्या है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस,
सेकेंड में इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, थर्ड में लेस देन आर वन प्लस आर टू, एंड उसके बाद सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, लेकिन इसके साथ. तो इस बार ही सी वन सी टू इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू, इक्वल टू मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू, लेस देन मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू. यस और नो, कितने बच्चों को ये चीज चमक चुकी है? यस, कितने बच्चों को ये चीज चमक चुकी है? ठीक है जी, चलो ग्रेट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस कैसे करना है, इसको कैसे लगाना है, आइए इसको देखते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? इफ दीज टू सर्कल्स एंड दिस सर्कल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी वो आपको ये बोल रहा है कि टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होगा? जरा देख चेक करो. राइट, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सेंटर ले लेती हूँ. तो सी वन मेरा क्या है, मान लो ये सी वन है, ये सी टू, मतलब सर्कल्स है ये, तो इसका सर्कल वन का सेंटर है माइनस वन कॉमा माइनस टू. ठीक है, सर्कल टू का सेंटर मेरे को दे रखा है, मैं निकाल सकती हूँ बड़े आराम से, दिस इज टू कॉमा टू. रेडियस वन क्या है, आर है. रेडियस टू क्या है, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, इट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो इट इज ऑल्सो टू. अब आपको ये चीज दे रखी है, मैंने कहा दूर है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थर्ड वाला केस है, ये वाला. एंड सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ये या ये सबसे ज्यादा पूछते हैं वो. ठीक है, एनीवे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी वन सी टू इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या कर रही हूं मैं, हाँ ठीक है, यही वाला ले लिया आपने, तो क्या आ जाएगा R1 वन माइनस आर टू, आई कैन से आर माइनस टू, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं ले लूं, 2 माइनस वन तो 3 स्क्वायर, 2 माइनस टू और 2 प्लस टू तो 4 स्क्वायर, 5 आ जाएगा, बहुत बढ़िया. इज लेस देन R1 वन प्लस आर टू, तो R प्लस टू आ जाएगा. ऑब्वियसली यार, अब आपको यहाँ पर केस लगाना पड़ेगा, एक एक करके आप यहाँ पे केस लेने वाले हो. पहला केस आप ले सकते हो मॉड ऑफ आर माइनस टू इज लेस देन फाइव, एंड दूसरा केस ले सकते हो कि आपका फाइव इज, या मैं बोल सकती हूँ आर प्लस टू इज ग्रेटर देन फाइव. तो इसने तो बहुत ही सीधा सीधा आर को ग्रेटर देन थ्री दे दिया. दिस विल बी आर माइनस टू इज बिटवीन माइनस फाइव एंड फाइव, यानी आर इज यहाँ पे सेवन एंड यहाँ पे किया तो माइनस थ्री से सेवन. अब जरा दोनों के बीच में क्या आ रहा है वो आप देख लो भैया, सेवन से छोटा है, माइनस थ्री से बड़ा है, थ्री से बड़ा है, तो थ्री और सेवन का मिश्रण इज द आंसर. कितने बच्चों ने इसको उड़ा डाला, कितने बच्चों ने इसको उड़ा डाला, जरा झटपट बताओ. यस और नो, डन डना डन हुआ, तो आपको ये हैक समझ में आ गया होगा. राइट, बहुत बढ़िया. चलिए अगले सवाल को ले लेते हैं. उसने फिर से एक सर्कल बताया, दूसरा सर्कल बताया, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. फिर से उसने यही चीज बताई. ठीक है, तो यानी आपको इस बारी भी वो यही कह रहा है कि सी वन सी टू जो है जी वो लेस देन आर वन प्लस आर टू होगा एंड मोर देन मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू होगा. सो यहाँ की रेडियस टू है, वहां की रेडियस क्या है, आ जाओ देख लेते हैं. आर वन तो जी आपका टू है, आर टू क्या है, दिस विल बी टू लैम्डा स्क्वायर, मतलब अगर आप इसको एक्चुअली हाफ कर दो, इसका सेंटर क्या है, पहले सेंटर लिख लेते हैं ना. सी वन इसका तो जीरो जीरो है, सी टू क्या है, सी टू इज टू लैम्डा कॉमा जीरो, तो ये आ जाएगा फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस नाइन, है ना जी. तो आप इसमें लिखोगे ना टू माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन सी वन सी टू, इन दोनों का जो गैप है कितना है, 2 लैम्डा होल स्क्वायर, तो सिर्फ 2 लैम्डा ही है ना, यहाँ यही आ जाएगा ना बच्चा, ऐसे 2 लैम्डा आ जाएगा. एंड आर वन प्लस आर टू इज ठीक है, दैट्स इट. इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो आपके लिए सॉल्यूशन लगा रखा है वो कर लो, या फिर अग्नि के सेशन में मैंने पूरी अंत तक इसकी सॉल्विंग करी है वो आप जाके देख सकते हो.
यस और नो। तो अग्नि से इसकी पूरी सॉल्विंग देख लेना, थोड़ी सी लेंदी है, इसका केस लेते हो, इसका केस लेते हो और फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब ए एंड बी फाइंड आउट करके और फिर आंसर देते हो, बट देख लेना। तो हैक कहाँ था, हैक यहीं तक आपका था। डन, इसको आप चेकआउट कर लेना। फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दिस, जल्दी से बता दो। और मैं अब आपके लाइक्स चेक कर रही हूँ कि भैया लाइक्स भी चेक कर रही हूँ और सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं, ये झटपट बता दो। चलो चलो बच्चों, ओके, आर वी रेडी। कैफे अप्रोच में सिर्फ मैंने, देखो इसमें सॉल्विंग तो आपको करनी पड़ेगी है ना, बस एक चीज हमने सीखी है, सी स्टैंड फॉर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म dy by dx, ए स्टैंड फॉर यू आस्क फॉर कौन सा मेथड लगाऊं। लेकिन यहाँ मैम यही तो देखना था, तो उसका हैक होता है ना, आप सबसे पहले होमोजीनियस चेक करो कि क्या हर एक टर्म की डिग्री सेम है, या फिर आपको y by x या x by y चमकता हुआ दिख रहा है। वेरिएबल सेपरेबल तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि यार y y को ले गया है ना, फंक्शन ऑफ y dy को ले गया, फंक्शन ऑफ x dx को ले गया, एंड आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। नहीं है तो इसका मतलब लीनियर की वो वन ऑफ द फॉर्म्स है। कहाँ है सर, क्या लिखा है, सर ये वाला है कि ये वाला है, फिर आप उससे पूछते हो प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, ठीक है। उसके बाद एफ स्टैंड फॉर फॉलो द मेथड ऑफ सॉल्विंग, आपको पता है इसके अंदर आप क्या करते हो, पहले वाले के अंदर वाई इक्वल टू वी एक्स या एक्स इक्वल टू वी वाई पुट करते हो, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या करते हो, सेकेंड वाले में तो आप आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ कर देते हो, ठीक है। एंड थर्ड वाले मेथड में क्या करते हो, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो और फिर अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन देते हो। ई स्टैंड फॉर एक्सेप्शन, अगर ये सारे के सारे लोग फेल हो जाए, इसका मतलब या तो वो बर्नौली की तरफ मूव कर रहा है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिड्यूसिबल टू वन ऑफ द फॉर्म्स है जो काफ़ी पूछी गई हैं इस बार भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये एक रिड्यूसिबल फॉर्म है, तो इट्स जस्ट अ हैक टू रिमेंबर कि यार ये स्टेप्स आप अप्रोच करके बहुत आसानी से सवालों को निकाल सकते हो। तो आ जाओ यहाँ पे, लगभग आपके 19 सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे गए जिसमें लगभग 14 पे आप ये डायरेक्टली हैक लगा के सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, आप मेरे को देख के बताओ ये क्या लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट होगा, व्हाट फॉर्मेट शुड दिस बी। पहले वाले को देख रहे हैं हम, ठीक है, पहले वाले को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एज पर माई कैफे अप्रोच मैं इनकी अंत तक सॉल्विंग नहीं करूंगी, वो मैं अग्नि सेशंस में डिटेल में बहुत कर चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ हैक कैसे लगा रहे हो। तो आपने पहले कन्वर्जन करनी है, आप कन्वर्जन के लिए इसको dy by dx फॉर्म में चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, वैसे भी आई थिंक आपको ये नजर आ ही गया होगा, ये भी फंक्शन ऑफ x है एंड ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो आप सीधा ही बिंदास इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, ठीक है। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ वन माइनस एक्स टैन एक्स प्लस एक्स टाइम्स टू माइनस एक्स अपॉन सेक एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो सारे बच्चों को चमक चमक के दिख गया है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, राइट। तो आपने जैसे ही कन्वर्ट किया, आप डी वाई बाई डी एक्स में लिखते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने पूछा क्या ये होमोजीनियस है, कहीं से भी नहीं, लेकिन आपको पहले ही दिख गया कि ये सारा का सारा एक तरफ एक्स पे आप खींच सकते हो। एंड तक जो सॉल्विंग देखनी है वो आप अग्नि के सेशन से देख सकते हो, ठीक है, अग्नि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे आते हैं, अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, चलो जल्दी से बताओ बच्चों। सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने फिर से सबसे पहले कैफे के अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मैं अगर इसको dx by dy भी लिखती हूँ, x by y यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी log of x by y plus 1। क्या फॉर्म लग रहा है तुम लोगों को, ये
क्या फॉर्म लग रहा है एग्जैक्टली होमोजीनियस, कैसे पहचाना जीनियस बच्चों? आपने कन्वर्जन तो कर दी, अब मैंने कहा था आप इंडिविजुअल टर्म की डिग्री देखना, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन, काट दूं तो कांस्टेंट, एक्चुअल में नहीं काट रहे, मेंटली आप देख रहे हो कि डिग्री सेम है, इसकी सेम, इसकी सेम, तो काट के वन, इसकी सेम, इसकी सेम, तो काट के एक तरीके से वन, और ये तो पहले ही कांस्टेंट है तो डिग्री वन। आप उस लॉजिक से भी देखो कि x बाय वे, एक्स बाय वाई प्रेजेंट है, और मैं चाहूँ तो 1/1 को भी लिख सकती हूँ, x बाय वाई रेस्ट टू पास 0, यानी इट्स अ क्लियरली होमोजीनियस फॉर्म, इट्स क्लियरली होमोजीनियस फॉर्म, एंड आपको पता है इन दिस पर्टिकुलर केस आप x को वी वाई लेके यू नो वॉट टू डू, यस और नो, यू नो वॉट टू डू। तो सोल्यूशन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो या अग्नि के सेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, इस तरफ ले जाती हूँ जरा, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे ऐसे जो भी दे रखा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो ये क्या है और फिर ये क्या है, व्हाट फॉर्म डू यू थिंक दिस वन इज, क्या बुलाना चाहोगे पहले वाले को और दूसरे वाले को? अब देखो इसके अंदर हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलना चाह रहे, अरे ये तो वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल, दिख लो ना क्या बच्चे बोलेंगे, अगर ये ऐसे दिख रहा है तो आपको पता है ये आप dx by x कर दोगे या आप माइनस a टाइम्स dt कर दोगे, वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व कर दोगे, एंड सेम कहानी आप यहाँ पे भी बुनोगे, ठीक है। सो दिस इज हाइपर क्लियर कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ये वाली भी, एंड ये भी आपको दिखी गया है, दिस इज dy by y इज इक्वल टू माइनस b टाइम्स dt, करेक्ट है ये वाला, हाँ ये बहुत सारे बच्चे लीनियर कह रहे थे, लीनियर तक जाने की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है, आई टेल यू वाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मुझे पता है, आप चाहो तो जा सकते हो लीनियर में, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या लिखोगे, ई रेस टू पार ए, ई रेस टू पार ए लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लिखोगे, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही हो जाना है, वाई गो टिल देयर, कर सकते हो एल डी ई से भी, बट ज़बरदस्ती आप क्वेश्चन को च्युइंग गम बना दोगे। यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा फॉर्म है ज़रा पहचानो, सबसे पहले एज पर द कैफे अप्रोच आप इसको dy बाई dx करके लिख दो, अगर और कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा, ठीक है, तो आप उधर इसको ले जाओ, लेट मी जस्ट डू वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, एंड यहाँ से आपको चम चम करके दिख जाएगा आंसर, ये आ रहा है, एंड आई थिंक काफ़ी बच्चों ने तो पहचान भी लिया ये क्या है, ठीक है जी, एग्जैक्टली ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल, फिर से आपको दिखी गया होगा, दिस इज योर वेरिएबल सेपरेबल, क्या करते हो नेहा मैम, इसी के ऊपर लिख दिया, कोई ना यहां ले जाती हूँ, ठीक है डन। अब आप सवाल को उड़ा दोगे, बहुत बढ़िया, हम इसको कर देंगे राइट, तो सॉल्व या तो खुद कर लेना या चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं, इधर देख लो, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, यू गाइस कैन वेरी वेरी क्लियरली सी ये क्या है, ऑब्वियसली दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, देखो ना इसको आप डी टी अपॉन टी माइनस ए टी लिख दोगे, इसको माइनस के टाइम्स डी टी लिख दोगे, यहां पे वेरिएबल्स क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वी एस है यस और नो। अब ये वाला अगर आप देखो इधर, इसमें आप जैसे ही लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये क्या आता है 2x प्लस 3y माइनस 2, 4x प्लस 6y माइनस 7, राइट, दिस इज व्हाट आई गेट। अब क्लियरली देख के कैफे अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप भैया सी आपने कन्वर्जन कर दी, आस्क यू आर आस्किंग होमोजीनियस है, नहीं, इन सबकी डिग्री 1/1 है, ये कांस्टेंट है, ये डिग्री 1/1 है, ये कांस्टेंट है, क्या ये आपका वो है, वो मतलब वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल भी नहीं, लीनियर डिफरेंशियल है, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब एक्सेप्शन पे जाओगे आप, एक्सेप्शन पे चिल्ला चिल्ला के एक चीज़ पता चल रही है कि यू विल सब्स्टिट्यूट, तो ये एक्सेप्शनल वाले केस पे आ गया है दैट यू विल सब्स्टिट्यूट दिस एज टी एंड देन मूव अहेड, यस और नो, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बुलाएंगे,
इस वाले फॉर्म को वी आर गोइंग टू से इट्स रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ. दिस इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैफे अप्रोच को कैसे लगाया. यस, परफेक्ट. अगले में बढ़ते हैं. अरे बढ़ना, बढ़ता क्यों नहीं. चल यहां पे आ जाओ. सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, इसमें देखो ये आपका फंक्शन दे रखा है. अब ये क्या है, कौन सा फॉर्म है ये, जरा जल्दी से पहचान के बताओ मुझे. कौन सा फॉर्मेट है ये, जरा जल्दी से मेरे को बताओ आप लोग. चलिए लेट मी सी. तो आपने सबसे पहले बोला नेहा मैम हम एक काम करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं कैफे अप्रोच के चलते. सो वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई है ना, एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर. एंड आई कैन देन क्लियरली सी कि ये वेरिएबल सेपरेबल है. ओके, लाइक दिस. एंड आप इसको बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हो. वीएस वीएस सारे बच्चों ने लिख दिया है, क्या बात है, वेरी गुड. ठीक है, क्या ही बात है, वेरी वेरी गुड. अगले पे आ जाओ फिर. दिस थिंग इज सॉर्टेड, इसको आप सॉल्व कर सकते हो. एंड देखो ये तो आपका डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कर सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शन, आपकी चॉइस है. अग्नि में मैंने पूरा करा रखा है डिटेल में. यहाँ आ जाओ. हाँ जी, इसको तो देख के ही हम पहचान पा रहे हैं ना. आप कैफे लगाओ ना लगाओ, कैफे जाओ या ना जाओ, आपको ये चीज दिख गई है. बच्चा फिर भी जाना चाहोगे तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, और सेपरेट कर दो. दिस विल बी वाई बाई एक्स प्लस एक्स है और एक्स कट जाएगा, वन अपॉन कॉस ऑफ वाई बाई एक्स. क्लियरली पता चल रहा है वाई बाई एक्स को आप वी ले लेने वाले हो. इट्स होमोजीनियस. चाहे तो बिगिनिंग में भी कर सकते थे यही काम, है ना. लीनियर कहाँ से आ रहा है बेटा, ये तो तेरा होमोजीनियस फॉर्म आ रहा है डायरेक्ट. मेरे जीनियस बच्चे देखना इधर, अरे मेरे जीनियस बच्चे देखना इधर, सारी तरफ तो वाई बाई एक्स छाया हुआ है ना, सारी तरफ तो वाई बाई एक्स छाया हुआ है. डी वाई बाई डी एक्स डन कर लेंगे हम इसे, दैट्स इट. चलो ओके ओके, यहां पे देख लो, लुक एट दिस वन. अब आपको फिर से पता ही, ऑलरेडी कन्वर्टेड है. अगर आप पूछो ये होमोजीनियस है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है जो अड़ियल है, सड़ियल है. ठीक है ना, ये नहीं बनने दे रही ये आपका. तो अगर मैं कैफे में डालू, सी ऑलरेडी हो रखा है. आज पूछते हो आप ये होमोजीनियस है, ये फेल हो जाता है. फिर आप पूछते हो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये फेल हो जाता है. आप लीनियर पूछते हो, ये फेल हो जाता है. ठीक है, तो आप एफ को तो वैसे इग्नोर करना पड़ेगा ई पे, यानी एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या मूव कर रही है, ये रिड्यूसिबल है. एंड आपको पता है इसको हमने कई बार किया है, आप इसको इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, है ना. एंड क्या कर सकते हो, x माइनस वन को कैपिटल x, y माइनस वन को कुछ कैपिटल y. तो ये आपको अब ये फॉर्मेट दे रहा है. एंड अब बता दो जल्दी से ये क्या फॉर्मेट बन गया है. सबकी डिग्री यूनिफॉर्म है, सो दिस इज नाउ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. समझ में आ गया सबको, यस और नो. फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो मुझे, इधर वाला क्या आ रहा है, इधर वाला क्या आ रहा है, ये भी बता दिया जाए. लेट मी क्विकली सी, एक मिनट. इफ यू लुक एट इट दिस वे नाउ, यहां क्या है, dx by dy के फॉर्मेट में दे रखा है. ठीक है, ये होमोजीनियस तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता. ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता. सो व्हाट डू आई डू, मैं इसको ऐसे तोड़ के देखती हूँ, dx by dy. ठीक है, एंड इसको ऐसे लिख दे प्लस x by y इक्वल टू
एक्स बाय वाई प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई. एंड आई थिंक यहाँ से आपको चमचम हो गया होगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है. दिस इज गोइंग टू बी प्लस, आप इसे ऐसे लिख लो चाहे तो. यस, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आई थिंक काफी बच्चे इसको पहचान पा रहे हैं. अप्लाई मैंने वही किया है, कैफे अप्रोच. कैसे? सी, कन्वर्टेड वो पहले से था. ऐसे डीवाई बाई डी एक्स करोगे कुछ नहीं बनेगा. कन्वर्टेड वो पहले से था. आपने खुद से पूछा क्या ये होमोजीनियस है, जवाब मिला नहीं. क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं. क्या ये लीनियर है, आप सेपरेट करके देखो, आपको खुद से पोजिशन दिख जाएगी. ठीक है, तो आपने आस्क किया तो ये लीनियर निकला. एंड लीनियर में आपको दिख रहा है ये सेकेंड फॉर्म है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस वन बाय वाई डी वाई से निकालोगे. एंड सोल्यूशन फिर आप x इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये वाला जो है, आप इसको q बुला लो या जो भी बुला लो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. ठीक है, तो फॉर तक ही आपका प्रोसीजर बन जाएगा, कैफे के ई तक आपको जाना पड़ेगा ही नहीं. राइट, अब इन दो सवालों के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन से फॉर्म है. ठीक है, आप बोल देना कि यार इसको वन बोल देना, इसको टू बोल देना, और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सा फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है. पक्का बताओगे? डन, चलो ग्रेट. तो इसी तरह से दो और मैंने लगा रखी हैं जिसको आप चेकआउट करना. मैं जा रही हूं अगली ट्रिक पे, मेथड ऑफ डिफरेंस. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रिक विच इज मेथड ऑफ डिफरेंस. अब ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, दिस सवाल वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इन योर जेई जनवरी 24 अटेम्प्ट, क्योंकि उन्होंने सिग्मा के सवालों को कहीं ना कहीं हटा दिया था. फिर भी मैंने इसको 22 ट्रिक्स एंड हैक्स में नहीं बताया था, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस को मैंने आपको 2.0 में सिखाया था कि इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं. 2.0 में जनरल टर्म लिखने की ट्रिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपको दिखेगी. आ जाओ, इफ दिस इज गिवन टू मी, ठीक है, अल्फा कुछ कुछ है, बीटा कुछ कुछ है. बीटा पे मैं नहीं जा रही, इसको आप छोड़ दो. पहले मैं इस पे फोकस कर रही हूं क्योंकि ट्रिक सिर्फ अल्फा पे लगाने वाली है. If my alpha is given to be this, let me only consider the sequence 1, 4, 8, 13, 19, 26, blah, blah, blah. ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज दिख रही है, इट्स नॉट अ जीपी. बिल्कुल भी नहीं, नहीं हम. इट इज नॉट एन एपी. अगर आप सोच रहे थे ये जीपी है कि ये 2 रेस्ट पर 0 है, ये 2 रेस्ट पर 2 है, 2 क्यूब है, लेकिन यहां कुछ नहीं है. It is not an AGP. तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप सेपरेट, आप माइनस करके देखते हो. ठीक है, आप सवालों में माइनस करके देखते हो. कैसे देखते हो? ऐसे आपने इसका डिफरेंस निकाला, 3 आ गया. इसका डिफरेंस निकाला, 4 आया. इसका निकाला, 5 आया. इसका निकाला, 6 आया. जब तक कॉन्स्टेंट ना हो जाए दोबारा निकालो. ये एक बार निकाला, अब दूसरी बार निकालो. 3 एंड 4 का 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आ गया. जैसे ही कांस्टेंट हो गया, स्टॉप. एंड आपकी जनरल टर्म की ट्रिक क्या कहती है? ये जो फर्स्ट वाले कोफिशिएंट है, इससे आप जनरल टर्म दे दोगे. ठीक है, तो जनरल टर्म क्या आ जाने वाली है? अब लिखना सीख लो, जरा लिखना भी सीख लो. अब सबसे पहली वाली टर्म उठाते हो, उसको एज इट इज लिखते हो. दूसरे वाले को उठा के n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल करते हो. तीसरे वाले को उठा के सिर्फ कोफिशिएंट ले रहे हो. कर क्या रहे हो? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये चीज समझ में आई? अगर आगे और होती तो आप उसका कोफिशिएंट लिख के, अगर मान लो आगे कोई और टर्म होती, अभी कांस्टेंट नहीं हुआ होता ये, तो आप और लिखते प्लस लेट्स से 3 टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपकी जनरल टर्म यूं आ जाएगी, 1 प्लस 3n माइनस 3. यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाय 2 है ना ये, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 बाय 2. तो आप इसकी सॉल्विंग कर लीजिए. ठीक है, जो भी आएगा यार, ये 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आ गया ना, तो दिस विल बी 6n माइनस 2 तो माइनस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n which is turning out to be n square plus 3n, है ना, minus 2 by 2. n square plus 3n minus 2 by 2. This is a general term.
जनरल टर्म आते ही आप अपना रेगुलर प्रोसीजर लगाओगे तो ट्रिक लाइज हियर। आप ऐसे और सवालों को प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंस मैंने तो इक्का दुक्का बताया, आपने मोर प्रैक्टिस करनी है तो आप 1.0 के सेशन में जाके देख सकते हो फॉर द सेम चैप्टर। कहाँ है ये 1.0 का सेशन भी? यहीं पे, ये tinyurl.com/jeeewithnehamaam। यहाँ 2.0 की प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये 1.0 की प्लेलिस्ट लगी हुई है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने एडवांस की तैयारी के लिए तो रेकमेंड किया है कि आप पहले 1.0 करो, क्योंकि ये फुल सिलेबस पे है। तो इसकी आप सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाके देख लेना, मैंने बहुत सारे मेथड ऑफ डिफरेंस के इस जनरल टर्म पे सवाल करा रखे हैं। डन है जी, आर वी सॉर्टेड? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसकी फिर सॉल्विंग अंत तक इज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू अंत तक, आपने अंत तक देखनी है तो आप अग्नि के सेशन पे देखो। मैं सिर्फ यहाँ ये बता रही हूँ कि ट्रिक कहाँ तक लग सकती थी। तो जी, इसी के साथ आपके सवालों की वर्षा खत्म हुई, ठीक है। एज प्रोमिस्ड वी हैव टारगेटेड ऑल दीज क्वेश्चंस। ये हैक जो है आपका, ये वाला कैफी अप्रोच 14 सवालों में लग रही है, तो यू डू द मैथ, जल्दी से बताओ मुझे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 14, 28, यानी आउट ऑफ 300 क्वेश्चंस देयर वर 28 सच क्वेश्चंस जिसके अंदर ये हैक्स, ये जुगाड़ लग सकते थे। बाकी के, अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये 22 लगे, आप देखो कितने लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 में से 12 ऐसे हैक्स लगे। बाकी के भी आप देखना चाहते हो, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जब PDF शेयर होगा तो आप सीधा क्लिक कर लेना, इट विल मेक यू रीच दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। फिर सर्फ एक्सेल से मस्त कपड़े धोकर और फिर कर लेना, जोक्स अपार्ट, बट सारे के सारे 300 PYQs की आप सॉल्विंग देखना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इतने स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पर आपको किसी ने ये प्रॉपरली इस तरह से कराया होगा। बट एज ऑफ नाउ देखो, मैं तो चाहूंगी कि आप सारे के सारे 720 PYQs 22 के भी करके, सॉरी 720 PYQs 2023 के भी करके जाओ, इट इज हियर, है ना। आप सारे 300 PYQs 24 के भी करके जाओ, बट इस वक्त जब पेपर इतना पास है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये 3 ऑरेंज बटन्स, जिसके अंदर मैंने बड़े ही प्यार से तुम लोगों के लिए ये, अगर आप मिला लो, टॉप 444 PYQs है जिसकी छटाई कर रखी है। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी सेशन देखो, खुद से जाओ एंड लेट्स से आपने आज का टारगेट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को करना, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लानर आपके साथ शेयर किया था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स कर रहे हो तो मैंने आपके, जैसे है ना आपके 23 के ये तीनों है, यहाँ पे 44 ऐसे क्वेश्चन, सॉरी 28 ऐसे क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के निकाल रखे हैं, जो हर एक बच्चे के लिए मस्ट डू है। तो अब क्या करो, आप वैलिड PDF को खोलो, अपने आप से ये सवाल लगाओ, नीचे आंसर की के साथ मैच कर लो, कहीं अटक जाओ तो फिर इसी पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसी सवाल के वीडियो सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपकी चैट्स, अरे एक मिनट, डन। तो मेक श्योर इस चीज को आप जरूर से करके जाओ। अब प्रैक्टिस के लिए और क्या चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक और चीज बता दूं आपको, ये जो अग्नि के सेशंस लगा रखे हैं हमने, ठीक है, इसके अंदर अगर आपने वो सारी की सारी चीजें, जैसे टॉप 444 PYQs कर लिए हैं, राइट, 300 PYQ, मतलब अगर आपने पूरे अग्नि सेशंस लगा रखे हैं, तो ये आपके बूस्टर सेशंस मैंने लगाए हैं, जिसमें अलजेब्रा, वेक्टर 3D, कैलकुलस के टॉप ऐसे क्वेश्चंस जो पूरे सिलेबस को आपकी कवरेज दे रहे हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चंस, आप कह सकते हो मॉडिफाइड PYQs के साथ, ये आपकी तैयारी को लेवल अप करवा देंगे इफ यू हैव द टाइम फॉर दैट, राइट। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता के जाओ, बिकॉज इट मींस अ लॉट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माई आर्मी। आगे किस तरह की प्रैक्टिस चाहते हो, डू लेट मी नो, ठीक है जी। और एडवांस वाले जितने भी बच्चे हैं, 1.0 के अंदर कंप्लीट थ्योरी दे रखी है, मतलब क्योंकि 2.0 तो रिड्यूस के हिसाब से बने थे ना, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंगली एडवांस की थ्योरी है। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जेईई एडवांस्ड के ये वन शॉट्स, जिसके अंदर
जो एडवांस की एक्सक्लूसिव थ्योरी है यानी मेन से एक्स्ट्रा, वो करा के मैंने टॉप PYQs एंड सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करा रखे हैं. वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू एडवांस सीरीज ऑल्सो. पर आपको एक चीज़ पता है कि जब नेहा मैम आकर आपको कुछ भी करवाती है तो पूरा फिर शुरुआत से अंत तक कराती है. ये नहीं कि भाई दो चार सेशन लगा लिए आसान आसान वाले, आसान आसान सवाल भी ले लिए उसके अंदर और फिर कर दिया. वी विल डू इट हेड टू टो. आप पूरी तैयारी यहीं पे बैठ के कर सकते हो. ठीक है जी, चलिए फिर ऑन दैट नोट इस सभा को यहीं पे अंत करते हैं. आई होप यू लाइक द सेशन एंड आई होप आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून. कुछ और होगा तो एक कॉमेंट सेक्शन में पूछ के जाना. लेकिन देख लो, अगर मज़ा आया ना तो कोई भी बच्चा बिना कॉमेंट करे और लाइक करे वीडियो को नहीं जाएगा. चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड यू गाइज टेक केयर. ओ 7 days के लिए, बाय द वे जो बच्चे पूछ रहे हैं 7 days के लिए, यार आपका ये पूरा ट्रैकर लगा हुआ है. आप ये टाइनी वायरल से जाके ना फाइनल ट्रैकर को डाउनलोड कर लेना, ये रहा. तो अगर कोई बच्चे ऐसे भी है जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं भी हुई, आई विल हाईली रिकमेंड. ये आपके लैब वन में मैंने लो इनपुट के साथ हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स डाले हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर आप कर लेते हो, आप क्वेश्चन देखो, ऑन एन एवरेज 10 से 12 सवाल आपको इसी लैब से मिल जाएंगे. कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना आप 2.0 से देख सकते हो. और 2.0 को पूरा पूरा मत देखने बैठो, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं. तो जो टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या लेट्स से बाइनोमियल में, मुझे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स का टॉपिक पढ़ना है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाओ. ठीक है, उसके बाद दीज आर ऑल द 23 PYQs, दीज आर ऑल द 2024 PYQs. लेकिन टॉप PYQs आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो PDF यहीं पे लगा दिए गए हैं, राइट. एंड इसी तरह से सारे पूरे सिलेबस को मैंने लैब वाइज डिवाइड कर रखा है. वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे लगभग 8 से 9 घंटे के अंदर सारे 11th-12th के फॉर्मूलाज को अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन रिवाइज करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला मैराथॉन्स मैंने लगा रखी हैं. बोथ ऑफ देम आर एज पर योर रिड्यूस सिलेबस ऑफ JEE मेंस. ठीक है, चलिए ऑन दैट नोट.